तो दोस्तों, क्या आपके पास भी है 1 रुपए के चांदी के ऐसे सिक्के जिन पर बना होता है किंग एडवर्ड 7 का चित्र, और आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत? तो आप हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको 1 रुपए के एडवर्ड 7 के चित्र वाले सिक्कों की कीमत के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा सिक्का जो की बिका था 5 लाख रुपए की कीमत में। तो इसी बात पे आप कर दीजिए हमारी इस वीडियो को लाइक, और जो लोग हमारे इस चैनल की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके साथ ही दबा दीजिए उसके पास में बने हुए उस बेल बटन को, ताकि आपको आगे भी सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, एडवर्ड 7 जो कि थे क्वीन विक्टोरिया के बेटे और किंग जॉर्ज 5 के पिता। तो एडवर्ड 7 का शासन काल था 1901 से लेके 1910 तक, लेकिन इनके चित्र वाले सिक्के भारत में चलना शुरू हुए थे 1903 से, और इनका अंतिम वर्ष था 1910। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 1 रुपए के सिक्कों के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एडवर्ड 7 के सिक्के सिर्फ 1 रुपए में ही जारी नहीं हुए थे। इन्हीं के साथ चलाए जाते थे ऐसे हाफ रुपए यानी कि 8 आना, क्वार्टर रुपए यानी कि 4 आना, और उस समय चांदी का जो सबसे छोटा सिक्का था वो था ऐसा 2 आना। लेकिन दोस्तों, इन सभी सिक्कों की बात हम किसी अगली वीडियो में करेंगे, और आज हम जानेंगे सिर्फ इन 1 रुपए के सिक्कों के बारे में। तो दोस्तों, इन सिक्कों के मेटल की बात करें तो ये बने हुए हैं चांदी से, और इनमें चांदी यानी कि सिल्वर की मात्रा है 91.7%, और इन सिक्कों का वजन है 11.66 ग्राम। तो दोस्तों, यहाँ पर सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है एडवर्ड 7 का चित्र बिना मुकुट के, और इसके दोनों तरफ एडवर्ड 7 किंग एम्परर लिखा हुआ है, और इसके दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रिटिश क्राउन बना हुआ है, साथ ही इसके बीच में अंग्रेजी में 1 रुपी इंडिया, और इसके नीचे फारसी में 1 रुपया लिखा गया है। साथ ही सबसे नीचे की तरफ है इसका मिंटिंग ईयर, और इसके दोनों तरफ कमल के फूलों का एक डिजाइन बना हुआ है। तो दोस्तों, 1 रुपए के ऐसे सभी सिक्के मिंट हुए थे बॉम्बे और कैलकटा मिंट से, लेकिन इन 1 रुपए के सिक्कों में इनकी मिंट्स का कोई इनकी कीमत पर फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी मैं आपको इनकी पहचान का तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे कैलकटा मिंट के सिक्कों पर कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, लेकिन वहीं बात करें बॉम्बे मिंट के सिक्कों के मिंट मार्क की, तो इन पर बने हुए इस क्राउन में यहाँ पर आप लोग बी का निशान देख सकते हैं, और कुछ बॉम्बे मिंट के सिक्कों पर यहाँ पर एक डॉट भी बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थे बॉम्बे मिंट के सिक्कों की पहचान के निशान। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि इन 1 रुपए के सिक्कों में इनके मिंट से इनकी कीमत पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए अब आ जाते हैं सिक्कों की कीमत की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपके पास है ऐसे सिक्के 1903 से लेके 1907 के बीच के, तो वो सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, और उन सिक्कों की आज के समय में कीमत है 800 रुपए से 3000 रुपए के बीच में, जो कि उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन वही 1908 और 1910 के सिक्के यूएनसी कंडीशन में थोड़े स्केयर हैं, और ऐसे सिक्के आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में 3 से लेकर 3500 रुपए तक दिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वही बात करें ऐसे कॉमन सर्कुलेशन के सबसे रेयर सिक्के के बारे में, तो वो है ये 1909 के सिक्के, जिनकी कीमत आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में 5 से लेकर 6000 रुपए तक मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, वही नॉर्मल कंडीशन में ऐसे सारे ही सिक्के 1000 रुपए से ऊपर आप लोगों को नहीं दिला सकते। लेकिन दोस्तों, अब आ जाते हैं 1910 में बने हुए एक ऐसे सिक्के की तरफ जो कि आज से कुछ ही साल पहले बिका है 5 लाख रुपए की कीमत में। तो दोस्तों, ये जो सिक्का आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है 1910 में बनाया गया एडवर्ड 7 का एक पैटर्न कॉइन, जिसमें कि एडवर्ड 7 को क्राउन पहने हुए दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे क्राउन पहने हुए एडवर्ड 7 का सिर्फ एक ही सिक्का कॉमन सर्कुलेशन में आया था, और वो था ये 1 आना का सिक्का। लेकिन ये 1 रुपए का सिक्का एक पैटर्न कॉइन था, और ये कभी भी आम चलन में नहीं आया था, और इस सिक्के को 2013 में मुंबई में हुए टोडी वाला ऑक्शन में नीलाम किया गया था 5 लाख रुपए की भारी कीमत में, और आज 5 साल के बाद इस सिक्के की कीमत लगभग 8 लाख से भी ऊपर होगी। तो दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में इस तरह के काफी सारे अद्भुत सिक्के बनाए गए थे, जिनकी जानकारी मैं आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियोस में भी देने वाला हूँ। तो अगर आप उन वीडियोस को भी मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप देख सके उन सभी वीडियोस को सबसे पहले। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें, ताकि और लोग भी जान सके इन सिक्कों की सही कीमत के बारे में। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।